नाहन में नवयुवक मंडल द्वारा गणपति उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 13 सितंबर से 15 सितंबर तक उत्सव के मद्देनजर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि 13 सितंबर को शोभा यात्रा के साथ गणेश गणपति उत्सव का शुभारंभ होगा। ऐतिहासिक शहर नाहन में नवयुवक मंडल द्वारा हर साल की भांति इस बार भी गणपति उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 13 सितंबर से 15 सितंबर तक उत्सव के मद्देनजर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर नाहन नवयुवक मंडल के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि 13 सितंबर को शहर के वाल्मीकि मोहल्ला से शोभा यात्रा के साथ गणपति उत्सव का आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को गणपति महाराज को पूरे दिन हिंदू आश्रम में लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहीं 15 सितंबर को पूरे शहर में गणपति की परिक्रमा करवाई जाएगी, जिसके बाद से देर शाम पांवटा साहिब में यमुना नदी में गणपति विसर्जन किया जाएगा। गणपति उत्सव 13/9/2018 से 15/9/2018 तक मनाया जा रहा है। इस बार इसमें सबसे बड़ी खासियत जो है, इस बार बैंड नहीं है, ढोल नेता से दिल्ली से बुलाए गए हैं, जो शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाएंगे। आप मीडिया के द्वारा मैं सभी नाहन नगर निवासियों से अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नवयुवक मंडल का साथ दें और गणपति महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और 15 तारीख को श्री गणपति विसर्जन में हमारे साथ जो भी लोग चलना चाहे वो आराम से चल सकते हैं। गाड़ियों का इंतजाम नवयुवक मंडल द्वारा किया गया है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।